Assalamu alaikum and very good morning to all my lovely students. How are you all? I hope you all are well staying home. Students, today in this video I am going to explain you class 3 precedence grammar, chapter number 9 degree of comparison, chapter number 12 verbs, and chapter number 13 tenses recapitulation. ओके ये जो वीडियो है इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करूँगी बेटा, PT2 के जो ग्रामर चैप्टर्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगी. कौन सा? चैप्टर नंबर 9 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, चैप्टर नंबर 12 वर्ब्स एंड चैप्टर नंबर 13 टेंसेस. ओके नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्लास 3 PCLens ग्रामर चैप्टर नंबर 9 डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ओके नाउ लेट्स प्रोसीड टू रिकैपिटुलेशन. सी हियर वन एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई देता है. ओके सो आपको यहाँ पे क्या देखना है? टेबल देखना है. अगर आपके एग्ज़ाम में भी ऐसा हो सकता है बेटा कि पॉजिटिव डिग्री का कोई वर्ड दिया गया है उसको आपको कंपेरेटिव या सुपरलेटिव में बनाना है, या कंपेरेटिव में कोई वर्ड दिया गया है उसको सुपरलेटिव में बनाना रहेगा, या सुपरलेटिव में दिया गया है उसको कंपेरेटिव और पॉजिटिव में बनाना रहेगा. ओके सी हियर, आपका पॉजिटिव है नाइस, उसका कंपेरेटिव में ER लगेगा. ओके सो नाइसर एंड सुपरलेटिव में EST लग जाएगा, सो नाइसेस्ट. ओके सेम यहाँ पे सारी जगह पे ऐसा होगा. कंपेरेटिव में क्या लगेगा? पॉजिटिव जो है वहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो सेम टू सेम रहेगा. कंपेरेटिव जो है वहाँ पे आपको सिर्फ ER ऐड करना रहेगा, और सुपरलेटिव जो है वहाँ पे आपको EST ऐड करना रहेगा. बेटा कन्फ्यूज नहीं होना है, इट्स वेरी ईजी. बेटा कंपेरेटिव में क्या ऐड करना रहेगा? आपको जो भी वर्ड है उसके पीछे ER लगाना है, और जो वर्ड है पॉजिटिव में उसको सुपरलेटिव में बनाने के लिए आपको सिर्फ EST ऐड करना रहेगा. ओके सी हियर, नाइस नाइसर नाइसेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, High, higher, highest, heavy, heavier, heaviest, thin, thinner, thinnest. ओके जस्ट एग्जाम्पल मैंने कंपेरेटिव में नाइसर दिया है आपके एग्जाम में, राइट मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि कैसे करना है. तो आपका पॉजिटिव और सुपरलेटिव ब्लैंक होगा, तो ये दोनों ब्लैंक को आपको मेन जो फॉर्म है उसको पॉजिटिव में नाइस है तो नाइस लिखना है, सुपरलेटिव में नाइसेस्ट है तो आपको नाइसेस्ट लिखना है. ओके अगर आपके एग्जाम में मैंने यहाँ पे स्मॉलर दिया गया है, कंपेरेटिव में दे दिया है स्मॉलर, और ये दोनों जगह खाली है मीन्स पॉजिटिव कंपेयर, तो आपको यहाँ पे वही लिखना रहेगा स्मॉल एंड स्मॉलेस्ट. ओके अगर यहाँ पे पॉजिटिव में मैंने स्वीट दे दिया तो आपको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में लिखना रहेगा. कंपेरेटिव में क्या लिखोगे? स्वीटर, एंड सुपरलेटिव में स्वीटेस्ट. आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू fill in the blanks with the correct degree of comparison of the adjective in the bracket. यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है बेटा? आपको क्या दिया गया है? एडजेक्टिव. उसको आपको क्या करना है? डिग्री का यूज़ करके उसको डिग्री में कंपेयर कर उसको कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उसे लिखना है. ओके सो दिस इज डैश थिंग्स एनी वन हैज सेड टू मी. सो यहाँ पे EST लगा है तो आपको पता होना चाहिए कौन से डिग्री है ये? सुपरलेटिव. ओके सो नाइस का नाइस के पीछे EST लगा के उसको सुपरलेटिव में बनाया है. दिस इज़ द नाइसेस्ट थिंग एनी वन हैज़ सेड टू मी टुडे. नंबर टू, तानी इज़ डैश ब्रैकेट शॉर्ट देन शैली. ओके अब यहाँ पे शॉर्ट लिखा है और आपको आंसर के अंदर उसे कंपेरेटिव में करना है. ओके दिस इज़ shorter than शैली, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर हो रहा है तानी और शैली के बीच में. नंबर थ्री, द मैंगो इज़ डैश स्वीट ऑफ ऑल फ्रूट्स. अब यहाँ पे फ्रूट्स के साथ कंपेयर हुआ है और मैंगो को सारे फ्रूट्स के साथ कंपेयर किया है, राइट सो स्वीट का स्पेलिंग लिख के यहाँ पे आपको EST लगाना है मीन सुपरलेटिव डिग्री में उसको कन्वर्ट करना है. सो द मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स. नंबर फोर,
बुर्ज खलीफा इज़ द डेस्ट इन ब्रैकेट टॉल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे सारी बिल्डिंग के साथ उसे कंपेयर किया है, सो उसे सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। ओके, सो ईएसटी लगाना है आपको, टॉल के पीछे क्या लगाना है, ईएसटी। सो बुर्ज खलीफा इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नंबर 5। माई हाउस इज डैश स्मॉल देन योर्स। अब सिंगुलर है, एक के साथ कंपेयर हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है कंपेरेटिव डिग्री। ओके, सो माई हाउस इज स्मॉलर देन योर्स। नंबर 6, मे इज द डैश इन ब्रैकेट हॉट मंथ ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे सारे मंथ के साथ कंपेयर किया है मे को, सो यहाँ पे आपकी आएगी सुपरलेटिव डिग्री। सो हॉट का यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डबल टी, और उसके बाद ई एस टी लगाना है, सो सुपरलेटिव डिग्री। मे इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। नंबर 7, इट इज डैश इन ब्रैकेट कोल्ड आउटसाइड टुडे। अब यहाँ पे कोल्ड है तो उसके पीछे क्या लगेगा, ई एस टी मीन्स सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, सो इट इज कोल्डेस्ट आउटसाइड टुडे। नंबर 8, एप्पल आर डैश इन ब्रैकेट कॉस्टली देन गुआवास। ओके, अब यहाँ पे कॉस्टली का स्पेलिंग जो है वो वाई से एंड हो रहा है, सो डिग्री में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे वाई निकल जाएगा और वाई की जगह पे हो जाएगा आई। ओके, और उसके पीछे क्या लगेगा, ई आर मीन्स कंपेरेटिव डिग्री, सो एप्पल्स आर कॉस्टलियर देन गुआवास। Now your chapter number 9 degrees is completed over here. Now let's proceed to your chapter number 12 verbs. Okay, recapitulation. See here, आपकी यहाँ पे सिर्फ एक ही exercise है, right बेटा? आपके textbook में भी एक ही exercise है, don't confuse बेटा. See here, underline the verb in the following sentences. अब वर्ब किसे कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्ब, वर्ब इज कॉल्ड डूइंग वर्ब मीन, राइट, वर्ब को क्या कहेंगे, डूइंग वर्ड मीन्स जो एक्शन हम लोग कर रहे हैं, जो वर्ड वही बता रहा है कि एक्शन हो रही है उसे क्या कहोगे, वर्ब। सी हियर, द गर्ल डैश लॉन्ग हेयर। अब यहाँ पे हैज़ इज ऑल्सो योर वर्ब। ओके, सो द गर्ल हैज़ लॉन्ग हेयर। The servant sweeps the room. अब यहाँ पे sweeps means वो साफ कर रहा है, sweep कर रहा है, so sweep is your verb. आपको has के नीचे line करना है first में, second में आपको sweeps के नीचे line करना है. Okay. The grass grows fast means grass तो है but वो fast क्या कर रही है, grow हो रही है, right? So आपको किसके नीचे line करना है, grows के नीचे. नेक्स्ट है ही इज़ लेज़ी, सो इज ऑल्सो योर हेल्पिंग वर्ब, सो इज़ योर वर्ब, सो यू हैव टू अंडरलाइन इज़। ओके, नेक्स्ट है ही नोज हिज लेसन, लेसन पता है मीन्स एक्शन बता रही है यहाँ पे, सो नोज इज़ योर वर्ब, सो नोज के नीचे आपको लाइन करनी है, जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो वर्ड के नीचे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट है हरी कैचिज द बॉल, कौन से एक्शन कर रहा है, हरी कैचिज, कैच कर रहा है, सो कैचिज इज योर वर्ब। नेक्स्ट है द प्यून रिंग्स द बेल, अब यहाँ पे रिंग्स के नीचे अंडरलाइन आएगी क्योंकि वो बजा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है द टीचर ओपन्स द कबोर्ड, टीचर कौन से एक्शन कर रहे हैं, ओपन द कबोर्ड, ओपन कर रहे हैं, सो यहाँ पे हैज स्वीप्स ग्रोज इज knows, catches, rings and open, this all is your verbs. Okay, ये सारे क्या हैं, आपके verbs हैं। Now your chapter number 12 is completed over here. Now let's proceed to chapter number 13, tenses recapitulation. Exercise 1, fill in the blanks with correct option from the verb given in the bracket. यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया गया है, वर्ब दिया गया है, और जो राइट आंसर है उसमें से वो सिलेक्ट करके आपको डैश के अंदर आंसर लिखने हैं। ओके, सी हियर ए, माय मदर डैश अ टीचर, अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, राइट, और शी यूज़ होगा मदर के लिए, सो यहाँ पे क्या आएगा, इज़, सो माय मदर इज़ अ टीचर। नेक्स्ट है जेलम डैश पेंट्स और पेंट, अब
बेटर पिक्चर देन संगीता. अब यहाँ पे जैलम जो है वो बॉय है, ओके, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पेंट्स, एस लगेगा पीछे, राइट. सो जैलम पेंट्स अ बेटर पिक्चर देन संगीता. नेक्स्ट है वी डैश वॉन्ट्स ऑब्लिक वॉन्ट द बेस्ट टीम टू विन. वी जो है वो क्या है बेटा, आपको बताना पड़ेगा ये, राइट. क्या है ये वी, मीन्स बहुत सारे, बट यहाँ पे जो है बेटा आपको कोई चेंजेस करना नहीं है, वॉन्ट का वॉन्ट ही रहेगा. वी वॉन्ट द बेस्ट टीम टू विन. नेक्स्ट है अमी नेवर डैश गो ऑब्लिक गोज टू स्कूल ऑन टाइम. अमित जो है वो ही थर्ड पर्सन है, राइट, उसके लिए ही यूज़ होगा. सो यहाँ पे आपका चेंजेस रहेगा, कौन सा रहेगा आपका, ई एस. ई एस क्यों, ई एस वाला क्यों लगा है आपको, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, अमित के लिए ही यूज़ होगा, और अमित जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो आपको गोज वाला लेना पड़ेगा, ओके. नेक्स्ट है आई डैश एम ऑब्लिक आ नेवर लेट फॉर ब्रेकफास्ट. अब आई के साथ कंपलसरी एम आएगा, राइट बेटा. सो आई एम नेवर लेट फॉर ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट है दे डैश वेरी रूड टू देयर टीचर. दे इज द प्लूरल फॉर्म, राइट, ऑफ वी. सो बहुत सारे हैं, सो दे आर वेरी रूड टू देयर टीचर. जी मिल्क डैश गुड फॉर हेल्थ. सो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, इज. मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ. एच बर्ड्स डैश इन देयर नेस्ट. सो बर्ड्स है यहाँ पे आर आएगा, बहुत सारे हैं ना, एस लगाया हुआ है बर्ड्स के पीछे, सो बर्ड्स आर इन देयर नेस्ट. नाउ लेट्स प्रोसीड टू एक्सरसाइज टू सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. ओके सी हियर फिशरमैन कैच ऑब्लिक कैचेस फिश विद देयर नेट. ओके अब यहाँ पे नेट आएगा बेटा, ओके. सो फिशरमैन जो है वो अपनी नेट से फिश को कैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कैच, ओके. नेक्स्ट है शी वॉचिस ऑब्लिक वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग. ओके सो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वॉचिस, क्योंकि वो शी है और थर्ड पर्सन है, सो यहाँ पे वॉचिस आएगा. यहाँ पे कैच आएगा क्योंकि ये फिशरमैन जो है वो बहुत सारे हैं, प्लूरल फॉर्म में है, सो यहाँ पे आपका कैच आएगा, ओके. नेक्स्ट है माई मदर राइट ऑब्लिक राइट्स टू माई आंट वंस. और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, राइट्स, बिकॉज मदर के लिए शी यूज़ होगा, ओके. नेक्स्ट है आई इज ऑब्लिक एम बिजी एट वर्क. सो आई के साथ कंपल्सरी एम आएगा, सो आई एम बिजी एट वर्क. ई मानस लीड्स ऑब्लिक लीड अ टीम ऑफ 10 जर्नलिस्ट. अब मानस जो है वो बॉय है, थर्ड पर्सन है, सो लीड के पीछे एस लगाया हुआ जो फॉर्म है वो लेना पड़ेगा, राइट, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर है. सो मानस लीड्स अ टीम ऑफ 10 जर्नलिस्ट. यू शुड ड्रिंक ऑब्लिक ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर. अब यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, सो यहाँ पे आपको सिर्फ ड्रिंक वाला ही लेना पड़ेगा. यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. नेक्स्ट है ही थ्रो ऑब्लिक थ्रोज अ पार्टी ऑन सैटरडे. नाउ हियर ही इज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो यहाँ पे आपको थ्रोज पे ऊपर सर्कल करना है. ही थ्रोज अ पार्टी ऑन सैटरडे. नेक्स्ट है शैला लिसन ऑब्लिक लिसन टू हर फादर. शैला जो है वो थर्ड पर्सन है और अपने फादर को सुनती है, सो आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एस लगाया हुआ फॉर्म लेना है. सो शैला लिसन्स टू हर फादर. नाउ लेट्स प्रोसीड टू एक्सरसाइज 3 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट्स. अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में वर्ब्स दिए गए हैं, उसको आपको क्या करना है, देखना है. जिसके पीछे एस लगाना है वहाँ पे लगाना होगा, जिसके पीछे ई एस लगाना है, मीन्स प्लूरल में बनाना है तो प्लूरल में, बट पहले आपको वो बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म पर्सन जो है वो देखना पड़ेगा, ओके. सी हियर ए डैश ग्रो कैबेज इन हर गार्डन. अब यहाँ पे शी डैश कैबेज इन हर गार्डन. अब शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो ग्रो के पीछे आपको सिर्फ लगाना है ग्रोज. तो आपको डैश में क्या लिखना है, ग्रोज. शी ग्रोज कैबेज इन हर गार्डन. नेक्स्ट है कृष्णा, सॉरी
कृष्ण दैस मेक टी फॉर हिज फैमिली. कृष्ण जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके लिए ही यूज होगा. सो मेक के पीछे भी आपको क्या लगाना रहेगा, एस. सो कृष्ण मेक्स टी फॉर हिज फैमिली. नेक्स्ट है आई इन ब्रैकेट लव टू ईट फ्रूट्स. अब फर्स्ट पर्सन ही है यहाँ पे तो लव का लव ही रहेगा. ओके नेक्स्ट है वी डैश प्ले फुटबॉल इन कोर्ट. अब यहाँ पे वी जो है वो कौन सा फॉर्म में है वो आपको याद करना रहेगा. ओके वी जो है वो सिंगुलर है बट यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं रहेगा थर्ड पर्सन में. ओके वी प्ले फुटबॉल इन द कोर्ट. द टेलर डैश स्टिच क्लोथ्स. अब यहाँ पे जो है वर्ड सी एच से एंड हो रहा है. टेलर मीन्स ही यूज होगा. ओके सो स्टिच है यहाँ पे सी एच से एंड हो रहा है. सो यहाँ पे आपको टेलर ही थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे ई एस लगाना रहेगा बिकॉज स्टिच वर्ड इज एंड फ्रॉम सी एच. ओके सो सी एच से वर्ड एंड हो रहा है इसीलिए यहाँ पे ई एस प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए लेना पड़ेगा. सो द टेलर स्टिच इज क्लोथ्स. नेक्स्ट है ही डैश ड्यूरिंग द डे इन ब्रैकेट स्लीप. सो ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे आपको स्लीप के पीछे एस लगाना रहेगा. सो ही स्लीप्स ड्यूरिंग द डे. ओके सो आई होप आपको तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके बेटा स्टे होम स्टे सेफ. जजाकल्ला.